नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा, एमडी फिजिशियन, ऑनलाइन कंसल्टेंट। आज आपको हाई एल्कलाइन फॉस्फेट के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसको हम कहते हैं एएलपी। ये कब बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, किन को बढ़ता है। अगर आपका भी एल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ा हुआ है और अगर आपको कोई सवाल है और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट चाहिए कंसल्टेशन, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उस पे जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। कृपया कॉल ना करें, ठीक है, कॉल अपॉइंटमेंट फिक्स होने के बाद। तो मैं बताता हूं एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ने के कारण क्या होते हैं। देखो, पहली चीज तो हमें समझना होगा एल्कलाइन फॉस्फेट होता क्या है और कहां बनता है। तो हमारी बॉडी में एल्कलाइन फॉस्फेट लीवर में होता है, एंजाइम है ये पहली चीज, आंतों में, इंटेस्टाइन में होता है, किडनीज में होता है, बोन्स में होता है, और प्लेसेंटा, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके प्लेसेंटा में होता है। अब एल्कलाइन फॉस्फेट नॉर्मल किन कंडीशन में बढ़ जाता है, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, जैसे प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में जैसे प्लेसेंटा बनेगा, मैंने बताया, तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ने लगेगा, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान ये नॉर्मल है। दूसरी चीज, एल्कलाइन फॉस्फेट और किन में बढ़ता है, जैसे किसी को लीवर हेपेटाइटिस है, एसजीओटी पीटी थोड़ा बढ़ा हुआ है, डबल टाइम्स बढ़ा हुआ है, तो हेपेटाइटिस की वजह से बढ़ा है, और एसजीओटी पीटी थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है और एल्कलाइन बढ़ा हुआ है, तो वो हेपेटाइटिस की वजह से नहीं, कुछ और कारण हो सकता है। अब एल्कलाइन फॉस्फेट का काम क्या होता है, जो हमारी हड्डियां होती है उसको बनाने में, बिल्डिंग बनाने में काम करता है, उसको बनाता है हड्डियों को। कई बार क्या है कि कैल्शियम डेफिशिएंसी हो या विटामिन डी डेफिशिएंसी हो, तो उनके कारण भी एल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ जाता है, या सिर्फ कैल्शियम डेफिशिएंसी हो, विटामिन डी नॉर्मल हो तो भी एल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ जाता है, या सिर्फ विटामिन डेफिशिएंसी, डी डेफिशिएंसी हो और कैल्शियम नॉर्मल हो तो भी बढ़ जाता है। उसके अलावा कोई आंतों का इंफेक्शन हो तो भी एल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ जाता है। अब जैसे लीवर की वजह से बढ़ा, तो हेपेटाइटिस का कारण ढूंढना पड़ेगा कि भाई प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस तो नहीं, कोलेंजाइटिस तो नहीं, हेपेटाइटिस ए बी सी डी कौन सा है, तो वो देखना पड़ेगा, उसके मार्कर्स देखने पड़ेंगे बढ़ने के पीछे। कई बार ये कुछ कैंसर, बोन के कैंसर में भी बढ़ जाता है, मेटास्टेसिस जो होता है, कोई लंग का कैंसर बोन में मेटास्टेसाइज कर गया, या प्रोस्टेट का कैंसर स्पाइन में मेटास्टेसाइज कर गया, तो भी एल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ता है। तो ये सारे कारण हमको रूल आउट करने होते हैं, उसके बाद हमें देखना है क्या कारण है और कारण का ही ट्रीटमेंट करना है। तो एल्कलाइन फॉस्फेट खुद से बढ़ रहा है तो डरने की बात नहीं है, कारण को ट्रीट करेंगे। एल्कलाइन फॉस्फेट अगर थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है, जैसे माने 20-30 बढ़ा हुआ है, नॉर्मल रेंज रहेगी, किसी लैब की 125, किसी लैब का रहता है 104 तक, 70 से लेके, तो अगर थोड़ा बहुत ही बढ़ रहा है तो इट्स ओके, नो नीड टू वरी। एक उम्र के हिसाब से भी ये बढ़ जाता है, तो काफी सारी चीजें हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में भी बढ़ जाता है, क्योंकि हाइपोथायरॉयड की वजह से एसजीओटी पीटी बढ़ने लगता है। तो ये सारे कारण हैं, और ऑलवेज ट्रीट द कॉज। ऐसा नहीं है कि एल्कलाइन फॉस्फेट को कम करने की कोई दवाइयां हैं, ऐसा नहीं होता। जो कारण है हम उसी को ट्रीट करेंगे, तभी एल्कलाइन फॉस्फेट ठीक होगा। और कई बार दवाइयों से भी एल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ जाता है, ड्रग इंड्यूस्ड। तो लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपका भी एल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ा हुआ है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर जाके अपॉइंटमेंट बुक करें इससे के बारे में जानकारी लेने के लिए। और लास्ट में थैंक यू, नमस्कार, गुड बाय। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब।